It's a wonderful day and I am very very happy because अभी कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की, लिंक मुझे दिया हुआ है, यू चेक इट आउट। और वैसे मैं वीडियो डाल भी दूँगी अभी इसमें एंड में, तो वो वीडियो मैंने कुछ फेसबुक ग्रुप्स पर भी पोस्ट कर दी थी। और जब मैंने पोस्ट किया उसके बाद उसका इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया, एंड एवरीबडी वाज वाओ व्हाट अ नाइस वीडियो, अमेजिंग, एंड हाउ डू डू इट, एंड इट वाज लाइक ओवरवेलमिंग फॉर मी। फॉर अ कंटेंट क्रिएटर व्हेन दे क्रिएट समथिंग, किसी चीज़ पर मेहनत करते रहते हैं एंड देन कोई एक भी आके बोल देना कि अमेजिंग नाइस वर्क या कुछ भी, तो इट फील्स रियली रियली नाइस, मतलब दिल आपका फुल बड़ा हो जाता है, एंड देन यू वांट टू क्रिएट मोर एंड मोर एंड मोर। तो इसी तरीके से मैंने भी एक वीडियो बनाई जो मैंने डिफरेंट ग्रुप्स पे डाली एंड एवरीबडी लव्ड इट सो मच। और काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इससे पूछा कि हाउ आई मेड द वीडियो, तो आई प्रॉमिस देम ऑल दैट आई एम गोना पोस्ट अ ट्यूटोरियल। सो बेसिकली दिस इज माय ट्यूटोरियल वीडियो, और वैसे ये मेरी पहली ट्यूटोरियल वीडियो है जिसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने चीज़ें किस तरह से करी। सो इफ़ यू डोंट गेट एनीथिंग, अगर कुछ समझ नहीं आए तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, यू कैन आस्क मी ऑन माय इंस्टाग्राम अकाउंट, यू कैन डीएम मी और यू कैन कमेंट ओवर हियर। थोड़ा सा खाली शॉट लें जिसके अंदर कुछ भी ना, 2-3 सेकंड उसको रन होने दें, फिर आप जो है एंटर हो फ्रेम में एंड देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू इन द फ्रेम। लाइक मैं ऐसे स्टेप करके अंदर आ रही हूँ और हाई करके आई एम गोइंग अवे। पहले मैंने एक क्लिप लिया जिसमें कुछ भी नहीं था, ब्लैंक क्लिप लिया। दूसरा क्लिप मैंने लिया जिसके अंदर मैं वॉक करती हुई आ रही थी एंड देन आई केम टू वर्ड्स द कैमरा, आई सेड हाय एंड देन आई वेंट अवे। फिर मैंने उन दोनों को ऊपर नीचे रखा और आधा काट लिया, ब्लैंक वाले हिस्से से मैंने आधा काटा, तो वो ऐसा इल्यूजन आ रहा है कि मैं वॉल के दूसरी तरफ खड़ी हुई हूँ, तो दैट आई एम गोना शो यू। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो कि क्योंकि ये वीडियो मैंने एक दफ़ा में नहीं बनाई, वीडियो मैंने बहुत दफ़ा बनाई है, 3-4-5, सो आई फेल्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स डूइंग दिस वीडियो। उसके भी मैं बता देती हूँ थिंग्स नॉट टू डू। सबसे पहले जब आप शूट करें तो वो ऐसा टाइम हो जिस वक्त जो है कॉन्स्टेंट या तो धूप हो या कॉन्स्टेंट शाम का वक्त हो। जैसे मैंने ये शूट किया था मगरिब के वक्त, मगरिब के वक्त फौरी लाइट चेंज होती है, तो मुझे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था उसमें क्योंकि लाइट का एक्सपोजर चेंज हो रहा था। मास्किंग के अंदर जब आप दो क्लिप्स लेते हैं और उसको ओवरलैप कर रहे होते हैं, शूट कर रहे होते हैं, तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। लाइट ज़रा सी भी अगर डिफर करेगी तो पता लग जाएगा कि हमने को चीट किया हुआ है। दूसरी चीज़, यूजली मुझे होता है कि मैं अपने फ़ोन से शूट करूँ कि कैमरा कौन लेकर है, कौन कर रहा है, तो मैं फ़ोन से ही शूट कर लेती हूँ। तो फ़ोन पे आपका सबसे मेन चीज़ ये होती है कि जब आप शूट कर रहे हो अपना एक्सपोजर लॉक कर लें, क्योंकि होता ये अगर जैसे मैंने पहले शूट कर रही उसमें मैंने अपना एक्सपोजर लॉक करना भूल गई, तो मैं वॉक करती हुई आई तो वो मेरे आने के साथ साथ मेरा फोकस भी चेंज हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ साथ आपका फोकस चलता है, मेरा फोकस भी चेंज हो गया और एक्सपोजर भी चेंज हो गया, तो उसकी वजह से फिर अगेन वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, फिर मुझे इसकी वजह से दोबारा शूट करना पड़ा। उसके बाद सॉफ्टवेयर खोलेंगे आप प्रीमियर प्रो, उसमें आप दोनों शॉट्स को ऊपर नीचे रख देंगे, एक नीचे आप शॉट रखेंगे जिसकी जो खाली शॉट था, और ऊपर आप वो रखेंगे जो कि जिसमें आप इस तरीके से स्टेप करके आ रहे हैं, आप प्रिटेंड कर रहे हैं, ये दोनों शॉट आपने ऊपर नीचे रखे। उसके बाद देयर इज़ अ टेक्निक कॉल्ड मास्किंग, हम उसके बाद मास्किंग करेंगे। ये आप देख रहे हैं ये ब्लू लाइंस हैं, ये मैंने अपना एक पैर सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये वो वाली लेयर है जिसमें जो है मैं पूरी हूँ, और जो दूसरी वाली लेयर है जिसे वो मैंने छुपा दिया, जिसे मेरा पैर छुप रहा है, वो दूसरी लेयर से उठाया है जहाँ जो एक ब्लैंक हमने थोड़े से सेकंड्स शूट किए थे ना, तो ये वो है। अब हम जब उसको हाइड कर दिया ऊपर का पैर को, तो ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे से आ रही हूँ। पैर है वो जो हाइट किया है वो मास्किंग के थ्रू किया है, वो वाली लेयर है जो कि हमने पहले ब्लैंक शूट करी हुई थी, तो इस अब जब दोनों लेयर्स से मर्ज हुई हैं, तो वो ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे से आगे आ रही हूँ वॉल के या जो ये बुशेज हैं इसके। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो यू कैन लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल गेट बैक टू यू। इफ यू आर ट्राइंग दिस वीडियो एंड यू आर मेकिंग इट, डू टैग मी सो आई कैन सी टू। बाय।